Assalamualaikum guys, welcome to Beginner's Lunchbox. आज थोड़ा different सा लग रहा होगा मेरा सर. जी हाँ, आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली. जी मैं आज आपके साथ अपने डेली रूटीन में ग्रोसरी की परचेजिंग और मेरे किचन के स्टोर रूम की सेटिंग आपको शेयर करा रही हूँ. ज़रा थक गई थी सुबह से, चेज़ अप निकली हुई थी. मैंने कहा पहले एक कप चाय शाय पी ली जाए. रास्ते में मैंने हेल्दी सुपर मार्केट से कुछ डोनट्स और कुछ पेस्ट्रीज वगैरह उठा ली थी. मैंने कहा चलो जी थोड़ा थोड़ा चाय के साथ स्नैक्स हो जाएंगे, खा पी के थोड़ा फ्रेश होते हैं. चाय के साथ गर्म गर्म फिर आपके साथ जो है व्लॉग बनाती हूँ मैं. अच्छा जी, नमकीन में मेरे पास चिप्स भी है, हेल्दी सुपर मार्केट की काफ़ी फ्रेश जो है वो बेकरी आइटम्स होते हैं. चाय पी के ताज़ा तब हो के आपके साथ एक ज़बरदस्त नया एक अच्छा सा एक ब्लॉग बनाऊंगी. और ये देखिए बड़ी टेस्टी जो है वो पेस्ट्री थी. तो ये खाने के बाद असल में मियाँ के आने का टाइम हो जाना था. मैंने कहा थोड़ा सा अपने आप को ताज़ा दम करें. चेज़ अप की मैं आपको लिस्ट दिखा रही हूँ, बड़ी कोई लंबी लिस्ट थी. असल में माशाल्लाह हमारा ख़ानदान थोड़ा सा बड़ा है तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है. तकरीबन 30,000 से ऊपर की हमारी जो है वो परचेजिंग हो गई थी और साथ में उसका हमें बेनिफिट भी मिला, क्योंकि 10,000 के ऊपर वो जो है वो आपको एक बैलून हिट करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे थे. और हमने 3 दफ़ा बैलून हिट किए निशाने पे मेरे बेटे ने, और यकीन जाने हमने 3 प्लेटें जो है वो जीती हैं. अच्छा, ये मिडिल क्लास फैमिली का प्रॉब्लम ये है कि भाई आपको मुफ्त की आई हुई चीज़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा आपको बस जज्बाती कर लेती है. चले जी लगे हाथ अब अपना स्टोर रूम दिखाऊं. किचन में मैंने जो है वो कैनोल का जो है फैमिली पैक जो है वो मैगी कर लिया. टैंक है और ये बच्चों की टॉफियां हैं. बच्चे जो है वो लूट मार करते हैं टॉफियों पे. ड्राई फ्रूट का आइटम मैंने लिया है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और बच्चों के ग्रोथ का टाइम है. सेकेंडली कोरोना की वजह से जी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन ऑफिस वर्क चल रहा है जी. तो बैठे बैठे सब कुछ ना कुछ यार खाने को मांगते हैं, अब क्या करें बंदा. कुछ स्नैक्स टाइप की चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लेता है. डब्बे, जी हाँ डब्बे जो है फसाद का जड़ है. मेरे हस्बैंड डब्बों से बड़े आजिज आए हुए डब्बों की कलेक्शन से. सफ़ेद चना मैंने आपको दिखाया और ये देखिए मेरा जो है ये स्वीट कॉर्न है. चाइनीज़ आइटम में सूप वगैरह में चलने वाला आइटम है. ये मेरा ज़बरदस्त जो है मायो है, यानी मेयोनीज सैंडविचेस वगैरह के लिए. और ये नेशनल का कैचअप जो है वो हर घर में होता है. पकोड़े हैं, समोसे, सबके लिए मेरा ये स्टोर रूम. देखिए मैं सारा मीठे का आइटम ना कोशिश ये मेरी होती कि इकट्ठे कर दूँ, ताकि जना मैं कुकिंग शो के लिए जब कुकिंग वगैरह कर रही होती हूँ या मैं घर में भी कर रही होती हूँ तो ये मीठे का सारा आइटम मैं इकट्ठे रखती हूँ. इसमें कस्टर्ड है, ये देखिए चाइना ग्रास है, कॉर्नफ्लोर्स है, इसके अलावा जो है खीर मिक्स है, लजीजा की जेलीज़ है, मुख्तलिफ़ फ़्लेवर की जेलीज़ है. यार बच्चे हमारे जो हैं वो भाई आपको पता ही आजकल की आवाम क्या है, मुख्तलिफ़ फ़्लेवर मांग रहे होते तो फिर भाई बार बार आप जो है वो दौड़े नहीं लगा सकते मार्केट में. कि तो 3-4 फ्लेवर जो बच्चों के लिए पसंदीदा है वो, और बेकिंग आइटम आपने रख लेते, बेकिंग पाउडर रख लिया है. मुख्तलिफ़ किस्म के मेरे पास जो है वो एसेंसेस हैं जो भी मैं कुकिंग शो में यूज़ करती हूँ. यार बार बार जो है वो फिर ड्राइवर को भिजवाओ फिर वो गलत चीज़ें लेके आता है तो फिर सारा स्पॉयल हो जाता है. मुख्तलिफ़ सॉसेज़ है मेरे पास, ये चिली सॉस है, सोया सॉस है, बारबेक्यू सॉस है, वॉस्टरसाइज सॉस है, चिली, और ये देखिए ये ठीक है जी. और ये स्टॉक में ही रहते हैं मेरे पास ताकि मसला ना हो. फिर अगेन डब्बे बड़े फसाद कराते हैं घर की डेली रूटीन में. जो हमारे बर्तन यूज़ होते हैं और ये प्याले जो बच्चे छोटे बच्चे हैं ना इनको कुछ भी रख के दे दो बेचारों को तो वो खा लेते हैं. ये थोड़ा बेहतर है, थोड़ा सा डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं. ट्रे श्रे है, ये मैं आपको जस्ट घर के इस्तेमाल की चीज़ें दिखा रही हूँ. मैंने कहा चले आपको दिखाती हूँ, हमेशा ऊपर ऊपर से कुकिंग हो जाती है. आज अंदर का भी हालात दिखाएं आपके साथ. किचन टॉवल है और ये देखिए स्वीटनर है, ये मेरे हस्बैंड बड़ा पसंद करते हैं तो वो स्टीविया ले लेते हैं. स्वीटनर बड़ा अच्छा रहता है डाइट पर्पज से. यार आजकल डाइटिंग की बस कोशिश ही चलती है, वो कामयाब कभी नहीं होती. तो ये देखिए शिया सीड, इसी डाइटिंग के चक्कर में यार शिया सीड लिए, 1400 का पैकेट मिला है. मेरी बहन ने मेरा इतना मजाक उड़ाया यार, 1 इंच भी जो है वो वज़न कम नहीं हुआ. वो वज़न कम भी कैसे होता है यार, मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया ज़्यादा. तो खैर डब्बे नज़र आ रहे हैं आपको. उसके बाद ये देखिए ये मेरे जो है वो नेशनल और शान का सारा स्टोर है. अच्छा जी, अक्सर मैं कुकिंग शो में आपके साथ ये टिक्के मसाले हैं, निहारी के साथ पैकेट के साथ कोरमा है, अचार गोश्त है, वाइट कढ़ाई, ये थोड़ा स्टॉक में रखती हूँ मैं अपने पास. तो आपको अक्सर मैं डब्बों की रेसिपी भी बना के दिखाती हूँ. अच्छा ये मैं गई थी, मुझे बड़ा पसंद आया. असल में समर का सीज़न है, ये बाजरे और जो है ना जानवरों को या परिंदों को पानी वानी देती हूँ ना छत पे. मैं शाम में बड़ा अच्छा सीज़न रहता है, छत पे जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है.
परिंदे हैं, कबूतर है और ये सब आते हैं, तो मैं ना उसमें पानी और थोड़ा सा बाजरा या दाने वाने बच्चों को, जब परिंदों के लिए, सॉरी बच्चे मुँह से निकलता है यार क्या करें, हर वक्त सर पर सवार रहते हैं। अच्छा ये बच्चों के लिए मैंने ये लिया है, इसमें मैं कुल्फ़ी जमाऊँगी इन बच्चों की, जो है वो आइसक्रीम है कुल्फ़ी है ये बच्चे पसंद करते हैं, और बच्चों को बड़ा पसंद आया यार ये ट्रेडिशनल स्टाइल के मिट्टी के बर्तन, इनकी अपनी एक बात होती है, तो इसको मतलब ये मीठा मीठा खाने में बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने कहा बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलना है क्यों ना ले लें यार, एक ट्रेडिशनल सी चीज़ है। और ये कॉफ़ी यार इसकी तो बेचारी अब जाने का टाइम आ गया, सर्दियाँ ख़त्म होने को है और गर्मियाँ आ गई है, घर में रखी तो दिखा दी आपको, सफ़ेद चने हैं मेरे पास और जनाब ये कॉर्न है पॉपकॉर्न बनाने के लिए रात में मूवी टाइम में यार साथ में घर में बनाते हैं, बटर वटर डाल के बड़ा ही टेस्टी। और ये जो आपको एक तूफान सा नज़र आ रहा है ये मेरा ग्रॉसरी आइटम है, कसम से बिल्कुल थक्के में आई हूँ, हर साइज़ के पैम्पर्स और सॉरी कैन बेबी के जो डायपर्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, घर में तीन चार साइज़ के बच्चे हैं, हर साइज़ के बच्चे के हिसाब से जो है वो कैन बेबी आया हुआ है। और मज़े की बात है यार हम मुफ्त के मतलब यार मुफ्ता हमें इतना कोई कहते हैं बहुत प्रोवोक करता है, खुश करता है, साथ में हर के साथ एक डायपर वो सारी टेबल भी आया है, स्कॉच ब्रेड है और स्टील बॉल है बर्तन धोने के लिए, और ये देखिए ये वो है टेबल हर कैन बेबी के पैक के साथ हमें गिफ्ट में जो है ये टेबल मिली है, बड़ी कोई ख़ानदानी टेबल लग रही है, बच्चे बड़े खुश हैं। अच्छा ये फिनाइल की गोलियां हैं भाई एंटीबैक्टीरियल है, खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आती है और आपको लगता है भाई ज़रा जरासीम खुश रहे तो अच्छा रहता है। अच्छा ये सफ़ेद कपड़ों के लिए नील मैंने लगे हाथों पकड़ लिया था, अच्छी कंपनी का है और ये अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा शानी शानी सा होता है, टपाल दालीदार हमारे यहाँ यूज़ होती है थोड़ी सी, हम लोग टेस्ट चाय पीते हैं और हम सबको यही फ्लेवर पसंद है, मुझे भी बहुत पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ ये वाला फ्लेवर। एटम यार एटम बम नहीं है भाई ये साबुन है एटम कपड़े धोने का, पता नहीं कोई नया सा ब्रांड है, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। ओरियो बिस्किट यार वो जो बिस्किट चाय में डिबोने वाला इश्तहार था, अल्लाह पूछे वो सरवत गिलानी के हस्बैंड को, यकीन जानो कोई एक बिस्किट भी खाली नहीं खाता, एक दूध की नदियाँ बहरती है, एक बिस्किट उठा के फ्रिज में से दूध के डब्बे गिराते। अच्छा ये हल्दी है, लाल मिर्च है और ये जावित्री है, सब मैंने जेजब कर लिया है, बिल्कुल इकोनॉमी मतलब रखते हुए जो है आप ले सकते हैं, जेजब में बहुत मुनासिब कीमत में मिलता है और हैंगर्स ना भी कपड़े हैंग करके सरी करके आपको रखने में आसानी हो जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं और लगे हाथों बच्चों के पिटाई के भी काम आ जाते हैं, तो हैंगर देखते ही बच्चे दो फिट दूर भागते कि अम्मा मारेंगी, अरे बात जो कपाल बच्चों पे हाथ में उठाना चाहिए। फिर डब्बे आ गए, डब्बे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जितने भी खरीद लो मुझे कमी पड़ते हैं मसाले वसाले रखने के तो बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छा ये फिर स्क्वाश ब्रेड एक्चुअली ये बार बार सामने नज़र आ रहा है, वो थैले खुलते जा रहे हैं सामने आता जा रहा है, बेबी वाइप्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार बच्चों के मुंह हाथ के अलावा, वो बेबी के वो जब डायपर्स की क्लीनिंग इसके अलावा जो है वो कोरोना का सीज़न है, मैं वैसे ही पर्स में रखती हूँ हाथ वगैरह वॉश करने के लिए, बच्ची की मैंने बेबी बच्ची ने मेरे पसंद किया वो बैग तो मैंने उठा लिया रेड कलर का। अच्छा ये है वो जो हमने निशानाबाजी में जीता है, जी हाँ हर 10,000 के ऊपर हमें एक निशाना मारने की इजाज़त मिली थी, मेरा बेटा निशाने में माहिर था यकीन जानो, 3 अटैम्प्ट में उसने 3 प्लेटें जीती हैं। और ये देखिए ये सैंड के जो क्ले है सैंड प्ले के लिए जो है एक टॉय मैंने उठा लिया वहाँ से, ज़मीन पे बैठ गई यार थकन से बुरा हाल है, गर्मियों की शॉपिंग है अभी तो शुक्र है रमज़ान शुरू नहीं हुआ। वाटिका हेयर ऑयल मुझे बड़ा सूट करता है, मैं और ख़ुद को और बेटी को दोनों को लगाती हूँ तो मुझे पसंद भी है। एलोवेरा जेल है जो मैं स्किन में जब फेस मास्क बनाती हूँ उसमें डालती हूँ और बालों में भी ऑयल के साथ मिक्स करके लगाती हूँ, बड़ा अच्छा इसका असर होता है। क्रीम 21 मेरी फेवरेट है, मैं ज़्यादातर यही इस्तेमाल करती हूँ, वैसे कभी कभी ओकेजनली नीविया भी यूज़ करती हूँ। अच्छा ये बच्चों को जो नैपी रैश हो जाता है ना छोटे बच्चों के लिए, उसके लिए बेस्ट क्रीम है सूडो क्रीम, ये रैशनल वगैरह कोई मुझे इतनी पसंद नहीं आती जितनी ये पसंद आती है, बिल्कुल इंस्टेंट आपको उसका इफेक्ट नज़र आता है। अच्छा ये वेसलीन है, ये भी बड़ी अच्छी है स्किन के लिए जो है मौसम के हिसाब से आप देख लें। हनी लोशन जो है वो मैं पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस भी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मतलब बहुत सूदिंग सा इसका इफेक्ट सा मुझे लगता है, मतलब मज़ा आता है। अच्छा ये मैंने यार्डले का टेलकम पाउडर लिया है, इसकी फ्रेगरेंस जो है हमारे यहाँ मतलब कुछ लोगों को बहुत पसंद है तो ये वाला भी ले लिया। मुख्तलिफ फ्रेगरेंसेस के मैंने डिफरेंट फ्रेगरेंसेस के मैंने टेलकम पाउडर्स लिए हैं तो आपको दिखाते जाएंगे, चले साथ साथ रहिए आप भी इंजॉय करिए। ये यार्डले का लंदन है या वाकई लंदन का है पता नहीं भाई, लिखा तो यही है। अच्छा ये ऑलिव ऑयल है मसाज वसाज के लिए, यार अभी तो सर्दियाँ गुजर गई लेकिन चलो खैर है कोई गल नहीं। अच्छा ये फॉरेंस है, ये टूथपेस्ट बड़ा अच्छा मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, अगर आपको मतलब इन्फ्लेमेशन है गम्स में या स्वेलिंग है या ब्लीडिंग का इशू है तो ये बड़ा ही कोई इफेक्टिव है यकीन जानिए, बड़ा ही अच्छा, इसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं लेकिन चलो कोई बात नहीं, स्टील बॉल है। अच्छा ये जो है फूड कॉकटेल मैंने लिया है, स्वीट्स वगैरह बनाती हूँ, आपके साथ भी कई दफ़ा शेयर किया है यार, याद करें मेरी कुकिंग शोज में। और ये देखिए चॉकलेट सिरप जो है आपने अभी रिसेंटली मेरी देखी है ओरियो केक की रेसिपी उसमें भी डाला है, मैं और चॉकलेट आइसक्रीम बनाई थी उसमें भी डाला है,
बच्चे भी बड़ा पसंद करते हैं यार, केक हो, आइसक्रीम हो और जितनी भी मीठे आइटम तो उसमें मैं अक्सर डाल देती हूँ। और हरी भाई देसी घर की पहचान अचार, और नेशनल का गार्लिक अचार तो मेरी जान है, लहसुन का अचार। अच्छा जी, बच्चों की ग्रोइंग एज है तो खाली दूध पीने को कोई तैयार नहीं होता, ओवल्टीन तो भी लेना ही पड़ता है। ओवल्टीन हो, कॉम्प्लान हो, इस दफ़ा मैंने ओवल्टीन उठा लिया। अच्छा, ये एक कैचअप तो मैंने स्टोर रूम में रखा था, दूसरा पैकेट नज़र आ रहा है। जी हाँ, अच्छा ये एक्स्ट्रा वर्जिन जो है वो ऑलिव ऑयल है, ये हेल्थ के पर्पज़ के लिए, वही तो आपसे बोल रही हूँ, बार बार अटेम्प्ट ले रहे वज़न कम करने के लिए, बस अल्लाह कामयाब करे। ये मेरे बेटे का नीडो है 40 ग्रो, तो ये एक साइड को हो गई। ग्लॉसरीज हमारी आप देख रहे हैं, सुबह से मैं निकली हुई थी, शाम होने को आई है, सामान समेटने का नाम ही नहीं हो रहा। अच्छा देखिए, ये हैंड वॉश जो है, हैंड सोप्स जो है मैंने लिए चेज़अप के, बहुत ही आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे, क्योंकि हमने चेज़अप से शॉपिंग की। इनके अपने जो चेज़अप के सोप्स होते हैं वो आपको बाकी सोप्स के हिसाब से मुनासिब कीमत में हैंड वॉश मिल जाते हैं। अच्छा ये एयर फ्रेशनर से, वो मैंने 2-3 फ्लेवर्स में फ्रेगरेंस के लिए हैं, हर किसी के रूम में अलग अलग हो। और इस जो एयर फ्रेशनर की तो मैं खूबसूरती पर मान बैठी, इसकी खुशबू तो अच्छी है ही। ये देखिए और अव्वल लिखा हुआ है, लेकिन इसकी जो अव्वल और सॉरी और इसकी ब्यूटी जो है ना, इसकी बड़ी बॉटल बड़ी खूबसूरत थी। अच्छा ये इंटेंटर का, ये रोमांटिक किस्म का जो है वो फ्लावर है, रोज़ फ्लावर, मेरी बेटी को पसंद है। हर कराची के घर में जो है पापे बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सुबह के नाश्ते में। ब्रेड जो है वो अमूमन मैं छोटी लेती हूँ, ताकि फ्रेश फ्रेश रहे, महल्ले में से ले लेती हूँ। और अंडे, आप भी क्या सोच लूँगी यार, सुबह का नाश्ता आपको दिखाने चली हूँ, ऐसी बात नहीं है यार, रस्ते से उठा लिया मैंने, मैंने कहा चले आपको दिखा दें हम नाश्ते में क्या करते हैं। तो बैग चने आ गए और साथ में काले चने में। एक्चुअली पता है क्या, मैं रमज़ान की शॉपिंग करने वाली थी, लेकिन रमज़ान में अभी टाइम पड़ा है, वैसे काफ़ी सारी शॉपिंग मेरी हो चुकी है। ये देखिए काले चने भी, सफ़ेद चने भी। असल में जो मेन इंग्रेडिएंट था ना रमज़ान के, वो खजूर था, बेसन, और जो है वो हमारे रूह अफ़ज़ा वो रह गया। चार बच्चे हैं फैमिली में, तो हमने क्या किया है, 4 ग्लासेस मैंने लिए 2 लड़कों के, और अटैक हो चुका है, देखिए ज़रा कूद गए मैदान के अंदर। अच्छा अच्छा, पिंक कलर वाले लड़कियों ने पकड़ लिए हैं और ये छीना छपटी शुरू हो गई है, और ब्लू और ब्राउन जो है वो लड़कों ने ले लिए हैं। तो बच्चों का ये बड़ा अच्छा है कैप, इसमें सीना गीला नहीं होता, कपड़े चेंज करने का टेंशन नहीं है। अच्छा ये एलिफ की मैंने रेड चिली ली, बड़ी अच्छी होती है, जायका भी अच्छा होता है, इसका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आता है, तो ये आप ट्राई करिएगा ज़रूर। फिर चिकन टिक्का मसाला, हमारे टिक्का जो है ना वो बहुत ज़्यादा बनता है, बड़ों को बच्चों को सबको बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर इसको लेती हूँ। अच्छा ये देखिए डैशी का जो आपको चिकन पाउडर लग रहा है, ये आजकल हमारे महल्ले में ये मिल नहीं रहा, या कोई शॉर्ट हुआ हुआ, या शायद हमारे एरिया में नहीं मिल रहा, तो मैं ये स्टॉक में उठाती हूँ। बच्चों के जो लंच आइटम में भी बड़ा अच्छा रहता है, आप चाइनीज़ कोई चीज़ बनाएं, ब्रेड रोल्स बनाएं, सब में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, और सूप वगैरह में तो बड़ा, चाइनीज़ रेसिपीज में तो बड़ा ही काम आता है। अच्छा ये हल्दी है, धनिया पाउडर है, नॉर्मल जो हम घर में लेते हैं वही है सारी चीज़ें, आप भी लेते होंगे मेले में, चेज़ अपने यार थोड़ा मुनासिब कीमत में मिल जाता है, तो मैंने कहा चलो। आलू बुखारा यार, बिरयानी हर देसी घर की जान है, बिरयानी के तो मैं हर महीने ही जो है आलू बुखारा की पैकेट लूँ, कम पड़ जाती है। अच्छा ये चाइनीज़ क्रैकर यार, ये टेस्टी होते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इसके अंदर थोड़ा सा फ़िश का मतलब अच्छी सी स्मेल आती है, जायका आता है, फ़िश का फ्लेवर आता है। केन के मैंने नगेट्स ले लिए थे बच्चों के स्कूल आइटम में, मतलब लंच वगैरह में बड़ा आसान रह जाता, सुबह सुबह यार जल्दी होती, टेंडर पॉप थे, बड़ा है चीप होंगे जब बच्चे आराम से खा भी लेते हैं, और फिर घर में आप अपनी नज़र के सामने तेल में तलते हैं, बच्चे फिर कैंटीन से कोई उल्टी पुल्टी चीज़ें, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होती, बड़ा अच्छा और मतलब मैं घर में तरीके से, मैं कंपनी भी अच्छी है, केन पे बंदा सेटिस्फाई हो जाता है। अच्छा कुटी लाल मिर्च आपने अक्सर मेरे कुकिंग शोज में देखी होगी, ये वही कुटी लाल मिर्च है, ग्लूकोज बिस्किट है, वो रैंडमली बच्चे खाते रहते हैं घर में चलते फिरते छोटी छोटी भूख के लिए। अल्लाह चिकन टिक्का मसाला भी आपको बार बार दिखा रही हूँ, अब आप तब जाएंगे चिकन टिक्का मसाला देखिए, एक्चुअली वो पैकेट बार बार खोल रही है ना, तो मसाला निकल रहा है, और चिकन टिक्का मसाला की हमारे बहुत डिमांड है। अच्छा अगेन मैं आपको देसी घर की ये खूबी बताऊँ, अईता ये देखिए 5 किलो की पैकेट के साथ 1 किलो मुझे फ्री मिला है। जी हाँ, जो खुशी हम देसी लोगों को फ्री के पैकेट में होती ना, वो कभी भी नहीं होती, तो ये 5 किलो के साथ हमें 6 किलो पड़ गया। फ्रूट बॉटल की एक बॉटल है, एक नहीं 2-3 मैंने लिए, एक सामने दिख रही है, और ये एवा कुकिंग ऑयल, जी हाँ इसके तकरीबन 2 कार्टन लेंगे यार, रमज़ान आने वाले तो फ्राइज फ्राई का काफ़ी काम होता है, मुझे लगता है 2 महीना कम पड़े हैं, माशाल्लाह हमारा स्टार परिवार है। और ये देखिए शादी का चक्की का आटा है, हम ये वाला भी लेते हैं और शर्फी का भी लेते हैं, मैंने दोनों लिए हुए, तो लेट्स सी अब जो भी ये मिलता है। अच्छा ये देखिए गर्मियों का सीज़न है, और फिर हमारे यहाँ ना पेप्सी की बड़ी डिमांड होती है, तो मैं स्टॉक में ले लेती हूँ, मेहमान शेहमान भी आते रहते हैं, फिर बच्चे भी पीते हैं। न्यूट्रेला है, देखिए ये न्यूट्रेला जो है वो सुबह के नाश्तों का आइटम है, आप देख सकते हैं बच्चे जो है वो सुबह जल्दी जल्दी वही लगाओ, जान छूटती है, सुबह नाश्ते के नखरे बर्दाश्त नहीं होते। अच्छा ये कपड़े धोने का जो है वो ब्रश भी मैंने लगे हाथ ले लिया, और फिर अगेन आपको मज़ा आएगा, ये मेरी डाइट 7 अप है,
डाइटिंग की मेरी नाकाम कोशिश। अच्छा, ये इलायची आ गई है, ये बादियान के फूल हैं, ये जो है बड़ी इलायची है, और दालचीनी वगैरह भी आएंगी। बाकी सारी चीज़ें जो कुकिंग शो में हम नॉर्मल रूटीन में ही लौंगे हैं हम कुकिंग में यूज़ कर रहे होते हैं, तो सब स्टॉक में उठा लें, गर्म मसाले वगैरह। और ये पिसी काली मिर्च है, तो ये जो है चेज़अप की मैं लेती हूँ तो मुनासिब कीमत में मुझे मिल जाती है। और ये देखिए, लड़कियों को जब भी आप लेके जाओ तो आप लुट के आते हो। अभी इतने सारे पेरेंट्स लिए, आपको लग रहा होगा मेरे घर में कोई 10-15 लड़कियाँ हैं। जी नहीं, मेरे घर में सिर्फ 2 लड़कियाँ हैं, ठीक है जी। तो ये 2 बच्चियाँ हैं, ये हमने पैक लिया है, तकरीबन 30 पोनीज हैं। इधर ये 3 हेयरबैंड हैं, अच्छे अच्छे डिज़ाइन से, कितने क्यूट क्यूट से ना, मुख्तलिफ ड्रेसेस के साथ ये मैच कर जाते हैं, और चेज़ में ना बहुत मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। बाहर जाए तो आपको इतने अच्छे से नहीं मिलेंगे। अच्छा, वाइट एंड ब्लैक पोनी स्कूल्स के लिए लिए है, और ये रंगीन पोनी भी ले लिए डेली में लगाने के लिए। ये छोटे छोटे बाल निकल के आँख में आते हैं, मैं तो कस के लगा देती हूँ, क्लिप्स है, मैचिंग ड्रेस के साथ इन लोगों ने लिए। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता ये हर ड्रेस के साथ इनको पिंक ही चाहिए होता है, इतना क्यूट सा पिंक बैंड है यार। बच्चियाँ खर्चे करा देती, लेकिन बच्चियाँ लगती बड़ी क्यूट है यार, घर की रौनक ही बच्चियों से। ये मैंने अपने लिए भी लगे हाथों कैचर ले लिया यार, जल्दी जल्दी में किचन में काम करते हुए बाल को मरोड़ो और एक कैचर लगा लो, काम ख़त्म, इतना टाइम किसे मिलता है। अरे यार, ये देखिए लिप पेंसिल है, जब भी मैं लिप पेंसिल्स खरीद के लाती हूँ, पता नहीं यार मुझे ब्राउन कलर इतना पसंद है, और पता नहीं मैं जब भी लाती हूँ बाल में मुझे देखने को मिलता है कि जितने भी शेड लो होते हैं सब ब्राउन ही है। आप भी ये क्या सोच रहे होंगे यार, ये 3 पेंसिल्स दिखा रही हूँ और तीनों को अल्टीमेटली देखेंगे तो तीनों का ब्राउन ही शेड है। नहीं नहीं, बहुत से देखिए थोड़ा थोड़ा अलग है। अच्छा, ये देखिए क्लिप्स का सेट है, थोड़े थोड़े अलग शेड के साथ है। और ये देखिए, ये टोटल हमारी जो है बच्चियों की शॉपिंग है। एक होटल का पाउडर है रोज़ का। अच्छा, ये रूम स्प्रे है, ये शेड मैं आपको दिखा चुकी हूँ, दोबारा आ गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये ओलिविया का है, टल्क पाउडर्स का थोड़ा सा अलग जो है वो फ्रेग्रेंस है। तो इसी तरह जो है, अभी देखिए ये आपका नॉन क्लोरीन बीच है, ये आपके वाइट कपड़ों के साथ भी इस्तेमाल होता है और कलर्ड कपड़ों के साथ भी, बड़ा अच्छा होता है, पता है आपके कपड़ों को बिल्कुल फ्रेश कर देता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं भी ट्राई करती हूँ, मेरे घर में काफ़ी इसके स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह में, और जेंट्स की जो कपड़े हैं वाइट टाइप के, वो बड़ा अच्छा रहता है। डिटोल सोप है यार, इसके अलावा मैंने लक्स वगैरह भी लिए हैं, वाइट कलर में भी, पिंक कलर के, मुख्तलिफ फ्रेग्रेंस यार, जल्दी जल्दी उठा के डाले हमने, ये वाइट वाला नज़र आ रहा है। और रमज़ान आने वाले हैं और बर्तनों के ढेर लगेंगे, मैंने तो पूरी तैयारी पकड़ ली। लेमन मैक्स है 3x का, स्पॉन्जेस है, लेमन मैक्स है, स्टील बॉल्स है। ये देखिए दोबारा, ऐसा लग रहा है रमज़ान इबादत के बजाय सिर्फ बर्तन धोने के लिए ही है, लेकिन अल्लाह हमें इबादत की तौफीक दे। कोलगेट भी मैंने ले लिया है, पहले मैंने फॉरेन से आपको दिखाया था, वो मेडिकेटेड है, काफ़ी इफेक्टिव होता है, ये भी सही है, बस यार काम चला और खैर है, कोई गल नहीं। अच्छा, ये ब्राइट है, ब्राइट सब राइट कर देगा, पता नहीं राइट करता है कि नहीं राइट करता, लेकिन भाई जस्ट ओके है, मैं तो चला लेती हूँ, हमारे यही चलता है, इसी की खुशबू सबको पसंद आती है। तो ये हो गया, ये देखिए ब्राइट के मैंने 2-3 पैक्स ले लिए हैं, तो ये देखिए सही है जी। अच्छा, ये सनसिल्क है, हेयर शैम्पू, आप जो भी अपना पसंद करें, मैंने तो 2-3 तरह के लिए। और ये देखिए आपका ऑल पर्पज़ क्लीनर है, रोज़ की स्मेल इतनी कोई प्यारी आती है, ऐसा लगता है जना पोछा जब लगता है ना, एंटी बैक्टीरियल भी है, और फिर लगता है जब फ्लोर ने ना कोई ज़बरदस्त किस्म का रोमांटिक डिओड्रेंट लगा दिया, तो बहुत अच्छा मतलब अच्छा लगता है। लेमन मैक्स का ये बार भी आ गया यार, बिल्कुल मैंने तो तैयारी पकड़ी हुई बर्तन धोने की, कसम से ना, पता है बर्तन धो दो कि ना रमज़ानों में इंसान की हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि वो बर्तन मतलब नाश्ते वास्ते के चक्कर में, फरफ्तारी के चक्कर में बर्तन निकल बड़े जाते हैं। अच्छा, ये सूफी नामी काफ़ी है, सूफी सोप है, ये भी मैंने कपड़े धोने के लिए लिया है। अच्छा, आपने देखा होगा कि अगर आपको पता भी कि मैं ये एलुमिनियम फॉयल है, ये आप मैं अमूमन बेकिंग वगैरह में इस्तेमाल करती हूँ, या रैपिंग वगैरह कर मतलब जो भी कुकिंग आइटम है। अच्छा, ये क्लिंग फॉयल है, या प्लास्टिक फॉयल है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, आप कोई भी खाना वाना का चीज़ बनाए उसको भी आपको कवर करके रैप करके रखिए तो ज़बरदस्त मतलब अच्छा रहता, फ्रेश रहता। बेकिंग पेपर जो है आपने अक्सर देखा होगा, मैं केक है या बिस्किट्स वगैरह की रेसिपीज आपके साथ शेयर करती हूँ, तो उसमें बेकिंग पेपर यूज़ करती हूँ, उसकी स्टिकनेस भी बड़ी अच्छी है और बड़ा अच्छा नॉन स्टिक है, और ये मतलब ग्रीसिंग वगैरह की भी इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती, माइक्रोवेव वगैरह सब में जो है ये यूज़ हो जाता है, फटता भी नहीं है, बड़ा ही कुछ ज़बरदस्त होता है। अच्छा, ये चेज़ के जो है, हमने वही कहते हैं ना मिडिल क्लास फैमिली, हम ना चिकन जो है वो चेज़ के जो है रोल्स लेते हैं, मतलब ये मल्टीपर्पज़ रोल है, किचन टॉल हो गया या टॉयलेट टॉल, काफ़ी रीज़नेबल पड़े आते हैं, अच्छे भी होते हैं, क्वालिटी भी बड़ी अच्छी होती है। और ये इसी तरह मैंने जो है वो चेज़ के जो है टिश्यू पेपर वगैरह भी लिए हैं,
तो वो टिश्यू बॉक्स जो होते हैं वो भी सही प्राइस पे। यार्डले का एक और मेरा जो है वो फ्रेग्रेंस का है, टेलकम पाउडर, इसके अलावा आप ये देखें ये फ्रूटा वाइटल्स हैं, ये दो चार मैंने उठाए थे यार, फिर टाइम नहीं मिला, मैं कार्टन ढूंढ रही थी, कार्टन मुझे मिला नहीं, फिर देर होने लगी, ये मियाँ के आने का टाइम होने लगा, मैंने कहा चलो यार छोड़ो बाद में उठा लेंगे, तो मेले में भी मिल जाता है। ये देखिए चीज़ का टिश्यू बॉक्स है। एक्चुअली ये मैं फर्स्ट टाइम जो है व्लॉग बना रही थी, मैंने कहा यार हमेशा आपके साथ जो है वो कुकिंग 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 दिखाती हूँ, मैंने कहा चलो इस दफ़ा ग्रॉसरी की मैं भी दिखाऊँ मेरे घर में ग्रॉसरी की आती है। ये देखिए फिर बर्तन धोने का इंतजाम, समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है गलती से दो चार दफ़ा एक्स्ट्रा ही उठा ली, इतनी की ज़रूरत नहीं थी वैसे। तो अगर आपको मेरी ये व्लॉग पसंद आ रहा है ग्रॉसरी की और मैं डेली रूटीन अपनी शेयर करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अक्सर आपने मेरे पास मीठे की रेसिपी में नूरपुर देखा होगा, मैं अमूमन फुल फैट क्रीम यूज़ करती हूँ खीर वगैरह में और सब चीज़ों में, तो मैं अमूमन दो तीन कार्टन इसकी उठा लेती हूँ, तो सही से एक दो महीना निकल जाता है, तो अच्छा भी रहता है और मीठे में बड़ा ज़बरदस्त रहता है। तो ये देखिए नूरपुर का जो है वो मैंने मार्जरीन लिया है, नवार का मार्जरीन लिया है, मुझे ये बहुत पसंद है। ठीक है, अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। टी बैग है दालेदार चाय की मेरा ये, अगर आपको डेली रूटीन शेयर करना कोई मुझे आइडिया देना चाहते तो काइंडली मुझे कमेंट में मेंशन करें ताकि मैं उस पर भी काम करूँ। जल्दी में अपनी ईद शॉपिंग है वो शेयर करने वाली हूँ, मैंने मिलेनियम मॉल से कुछ ईद की शॉपिंग की थी, और ये देखिए मुफ्ते के पैकेट, तो मैं आपको बार बार दिखाऊंगी, एक अजीब सी खुशी होती है मुफ्ता देखकर, तो एक अंदर से खुशी फूटती है। अच्छा ये दाल की पैकेट है, चेजप की है, ये भी हमें रीजनेबल प्राइस में मिली है, मूंग की दाल है, चीनी है, चीनी मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली है, रमज़ान में बच्चे जो है वो शरबत के लिए आऊँ करते हैं तो वो शरबत हमारे यहाँ कई सारा बन जाता है, तो मैंने चीनी ज़रा ज़्यादा ले ली है। गर्म मसाले वगैरह जो नॉर्मल रूटीन में आप लोग लेते हैं वही है दालचीनी वगैरह। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी जो है वो और भी आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की शॉपिंग की जो है वो व्लॉग शेयर करूँगी। ये हल्दी है, लाल मिर्च है, ये साथ साथ आते जा रहे हैं। और ये देखिए ये अशरफ़ी का आटा, मैंने आपसे कहा था ना हम कभी शादी भी यूज़ करते हैं, साथ का भी और उसका शादी का और इसका भी, तो ये वाला अशरफ़ी आटा है। चले जी अगर जनाब आखिर में ये चीज़ जबकि वही लिस्ट है ग्रॉसरी की। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा और इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे कोई नए ब्लॉग के साथ। फिलहाल तो रमज़ान शॉपिंग का है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।